जनपद उत्तरकाशी में 4 जून की सायं को सहस्त्र ताल की ट्रैकिंग पर गए 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के प्राकृतिक आपदा में फंसने के कारण 5 ट्रैकरों की मौत हो गई है, जबकि बाकी सदस्यों के उच्च हिमालय ट्रैक रूट में फंसे होने की संभावना है। वहीं इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अन्य आपदा दल ही तुरंत रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। कल दिनांक 4 जून को तहसील भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत सायं लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। मल्ला सिल्ला होते हुए कुश कल्याण से ऊपर सहस्त्रताल पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी टिहरी बॉर्डर पर है। वहाँ पर कुछ लोगों की मौसम ख़राब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग जो उनको रेस्क्यू की ज़रूरत है। इसकी सूचना तत्काल मिलते ही जो है वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोगों हरकत में आए। और कल रात को ही जो है एक टीम वन विभाग की और एसडीआरएफ की और पुलिस की, जिसमें 10 लोग थे, उनको हमने रात में ही जो है लोकेशन पे भेज दिया गया था। इसके अलावा देहरादून से एसडीआरएफ की एक हेली टीम और कल रात को ही जो है यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एयरफोर्स को रिक्विजिशन कर दिया गया था उस एरिया से रेस्क्यू करने के लिए, जिसमें आज सुबह से जो है एसडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स हैं वो लोग रेडी कर रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है युद्ध स्तर से जारी है। इसमें जो 22 सदस्यीय दल है, इसमें 18 ट्रैकर जो हैं ये कर्नाटक के हैं, एक महाराष्ट्र का है और 3 जो हैं ये पोर्टर्स लोकल हैं। जो है अभी हमारी बातचीत चल रही है वहाँ पे और ऑपरेशन जो है वहाँ पे चल रहा है। हेली जो है वहाँ पहुँच चुका है मातली पे और जो है इस ऑपरेशन को जो है एसडीआरएफ, वन विभाग, पुलिस, आपदा प्रबंधन, ये सभी लोग जो है पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं और जो है इसमें काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। एरियल रेस्क्यू जो हम लोगों ने किया है उसके तहत 13 लोग जो हमने इवैक्यूएट कर लिया है और वो अलग अलग स्थानों पर है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है और सुरक्षित है। और उसके साथ साथ 4 डेड बॉडी रिकवर हुई है और जिसको हम लोग बेस कैंप से लेकर उत्तरकाशी जो हमारा नेटाल में जो लिखा है वहाँ लाया गया और बाकी के लिए हमारा सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है और चल रहा है।